शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जितना भी भाग लो बच नहीं पाओगे। हमने कहा रुको वरना गोली मार देंगे। ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे आज तुम हमसे। आज तो हम तुम्हें पकड़ के रहेंगे। अगर अफसर भाभी के हाथ चढ़ गया ना मैं, तो ना तो इनके अंदर की अफसर छोड़ेगी मुझे और ना ही भाभी। दोनों साइड से पिटूंगा मैं। भाई अलग मारेगा वो अलग। यहीं छुपा रहता हूँ मैं। घर वाले वहाँ अकेले मंदिर में और वो गैंग भी वहाँ है, तुम पे कौन नजर रख रहा होगा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, हम कब तक यहाँ फंसे रहेंगे? हमारा दिल तो बहुत घबरा रहा है। आंटी कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस है ना हमारी सुरक्षा करने के लिए। भैया मम्मी और ताई जी की हालत देखिए ना कैसी हो गई है। आप पुलिस वालों से पूछे ना हमें कब तक जाने देंगे। और श्रद्धा भाभी वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। ठीक है मैं एक बार इनसे रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। सर जी मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज, इधर आइए। जी सर। अब हम सबकी तो तलाशी हो ही चुकी है, तो क्या अब हम प्लीज घर जा सकते हैं? देखिए अभी तक हमें हार मिला नहीं है, और जब तक हमें माता रानी का हार नहीं मिल जाता तब तक आप और आपकी फैमिली कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सर हम क्यों हार चुराएंगे, हम बहुत ही शरीफ घर से हैं। शरीफों का भेष बदल के ये आए थे चोर माता रानी का हार चुराने, और अभी चोर यहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ज्यादा बहस करने की कोशिश मत करो, चुपचाप अपने परिवार के साथ जाके खड़े हो जाओ, समझे? ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे इतनी तमीज से पेश आ रहा हूँ और आप इस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? आपको पता है मैं ASP कीर्ति त्रिपाठी का पति हूँ, और थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। अगर इतनी चेकिंग के बाद भी आपको हमसे कुछ नहीं मिला है तो आप हमें इस तरह से यहाँ पर नहीं रोक सकते। मिस्टर त्रिपाठी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि दिन दहाड़े इस मंदिर में महाआरती के दौरान माता रानी का हार चोरी हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और वैसे भी आप एक पुलिस ऑफिसर के पति हैं, ऐसे में आपसे सहयोग की अपेक्षा तो की जा सकती है। मुझे आपसे और आपके पूरे परिवार से सहयोग की उम्मीद है। ठीक है तलाशी जारी रखो, कोई भी छूटा नहीं चाहिए। ठीक है साहब, माता रानी का हार मिल तो जाएगा, वरना इस पाप का घड़ा हम सब पर फूटेगा। पंडित जी कम से कम आप तो अपने शहर के पुलिस पर भरोसा रखिए। देखिए माता रानी का हार भी मिल जाएगा और वो चोर भी पकड़ा जाएगा। मेरी पकड़ से बच नहीं सकती तुम, ये हार दो। तो फिर मार। आज मैं तुम्हारा अपनी चेहरा सबके सामने ला करूंगी। ये तो आदमी है। वो कांच तो भाभी के पैर के आर पार हो जाएगा, क्या करूं, सामने भी नहीं जा सकता यार। हमारी और पुलिस की आंखों में धूल झोंक के तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगी, मैं चेहरा तो देख के रहूंगी तुम्हारा।
श्रद्धा रुको, अपनी आंखें मत रगड़ना। रुको, मैं पानी की बोतल देती हूँ। श्रद्धा, तुम बिना झांसी की रानी बन जाती हो। अरे बिना हम में से किसी को बताए तुम किसके पीछे भागी थी, और ये तुम्हारी आंखों में मिर्ची किसने डाल दी? वो कोई आदमी था जिसने वो हार चोरी किया, वो आदमी था। श्रद्धा तुम शांत हो जाओ, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वरुण जी, मगर श्रद्धा देखो, श्रद्धा हाथ से कितना खून बह रहा है, इसकी हमें ड्रेसिंग करनी पड़ेगी वरना सेप्टिक हो सकता है। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर श्रद्धा पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आखिर था कौन वो चोर? चलो चलो चलो, पंडित जी चोर चाहे जो भी हो हम उसे पकड़ कर रहेंगे, माता रानी का हार सही सलामत वापस करवा कर रहेंगे, उनके साथ ही पकड़े गए हैं, लीडर भी जल्द पकड़ा जाएगा, आप चिंता मत करिए। चिंता तो हमें हो रही है, इस बड़े मंदिर में चोरी हमारे डिपार्टमेंट पर एक बड़ा धब्बा बन सकता है, हमें जल्द से जल्द उस चोर का चेहरा जनता के सामने लाना ही होगा, तुम समझ रही हो ना? यस सर। जानते हैं सर, लेकिन उस चोर का असली चेहरा पहले हमें अपने परिवार के सामने लाना होगा, हमें यकीन है वो और कोई नहीं अभय ही है, बस दीदू ठीक रहे। दीदू क्या हुआ आपको, ये चोट कैसे लगी? अरे कीर्ति कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अभय कहाँ है? भगवान जाने कहाँ गायब हो गया, मंदिर भी नहीं आया था आरती के लिए। नहीं चाची जी, अभय मंदिर में था हम सब के बीच। तुम्हें क्या बोल, अगर अभय वहाँ पे होता तो हमें पता होता ना। हमने अभय को ही देखा था वरुण जी, पर किसी और भेष में। किसी और भेष में? अरे अभय मंदिर में किसी और भेष में क्यों जाएगा? क्योंकि उसे सबके सामने दिन दहाड़े माता रानी का हार जो चोरी करना था। सही कह रहे हैं ना अभय, या ऐसा कहें बब्बर शेर गैंग का सदस्य। कीर्ति तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम हमारे बेटे पे क्या इल्जाम लगा रही हो? कीर्ति देख तू यहाँ गलत है, अभय चोर नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की है, और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं उस चोर के पीछे भागी थी, मैं उसे पकड़ने ही वाली थी कि वो ऐन वक्त पर मेरी पकड़ से भाग गया। नहीं दीदू हम गलत नहीं, चोर अभय ही है। कीर्ति ये तुम क्या बिना सर पैर की बात कर रही हो, तुम हमारे बेटे को चोर बुला रही हो? अरे क्या ये तुम्हारा दुश्मन है? हम इसके दुश्मन नहीं है चाची, पर हाँ आपका बेटा पुलिस का दुश्मन बनने पे जरूर तुला हुआ है। इस भोले चेहरे के पीछे जो इसकी असलियत है ना, वो आज हम सबके सामने लाएंगे। अच्छा तेरे पास क्या सबूत है कीर्ति कि अभय ही चोर है? दीदू जिस चोर के पीछे हम भागे थे ना, हमने उसके पाँव पे गोली मारी थी और हमारी गोली उसके पाँव को छू कर निकल गई, तो उसके पाँव में चोर के निशान तो जरूर होंगे, और अगर अभय चोर नहीं है तो हमारी तसल्ली के लिए उसे अपने पाँव दिखाने में शर्म नहीं आनी चाहिए।
हो अब है? चलो जूते उतारो। कीर्ति! नहीं दीदू, आज आप कुछ नहीं बोले क्योंकि आज हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बैठो। जूते उतारो अभय। नहीं, लेफ्ट वाले नहीं, राइट वाले। बिना पैर की चोट कैसे दिखेगी? वे मोजे उतार। सबको हम पे विश्वास हो गया होगा। हमने कहा था कि अभय के राइट पैर पे हमारे चलाई हुई गोली के निशान जरूर होंगे, और वही निकला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। आपको सबूत चाहिए था ना दीदी, तो सामने है सबूत और अपराधी भी सामने, लेकिन अभी भी आपके लिए हम ही गलत होंगे। अभय बब्बर शेर गैंग का सदस्य है। अब तुम्हारा खेल खत्म। अभय त्रिपाठी, तुम्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। जवाब दो, क्या पुलिस वाले कभी गलत नहीं होते? ये किस कानून की किताब में लिखा है? क्या तुम गलत नहीं हो सकती? तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा देवर ये अपराध कर सकता है? जज्बात कानून से बड़े नहीं होते हैं बुआ जी। अभय के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके लिए हमें उसे गिरफ्तार करना ही होगा। अचानक से ऐसे क्यों चिल्लाई? क्योंकि तू मेरी बात नहीं मान रही है कीर्ति। मैं कह रही हूं ना तुझे, अभय चोर नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की है। उस चोर को मैंने खुद देखा है घूंघट में, और वो कोई आदमी था। दीदू हम नहीं कह रहे कि आप गलत कह रही होंगी। अरे
बब्बर शेर गैंग चोरों का झुंड है। आपने किसी और चोर को देखा होगा, जैसे हमने वहाँ अभय को देखा था बूढ़े के भेष में, है ना? बस कीर्ति, हम तब से खड़े होकर तुम्हारा ये बकवास सुनते जा रहे हैं। अब हमें क्यों चला रहे हैं भाभी जी पे? वो तो बस अपना काम कर रही है ना। भाभी जी, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। देखिए, देखिए, अच्छे से देख लीजिए, देखिए। देख लीजिए, आप पूरा पैर देख लीजिए, ये देखिए पूरा, देखिए। हमने तो अभय को ही देखा था, फिर ये छूट के निशान, ये गायब कैसे हो गया? ये कुणाल कहाँ जा रहा है? पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडा, पूरे परिवार के सामने हमारे बेटे को बेइज्जत करके। कीर्ति, बहुत चौकस पुलिस बनती फिरती हो ना, तो तुम्हारा दिल एक बार भी नहीं चौका किसी अपने को इस तरह अपराधी ठहराते हुए? तुमने अभय को चोर कहा, चोर। कीर्ति, अरे कम से कम इतना तो सोचती कि अभय की तबीयत खराब, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन तुम्हारी तो बरसों की दुश्मनी खत्म ही नहीं हो रही है वैसे। कीर्ति भाभी, आप अपनी पुरानी चिड़ का बदला ऐसे निकालेंगे अभय भैया से, उनके ऊपर अपनी वर्दी का रौब जमा के? कीर्ति, भगवान के लिए अपनी ये पुलिसगिरी मेरे भाई और मेरे परिवार से दूर रखो। क्या करे भाई, इनका डिपार्टमेंट उस बब्बर शेर गैंग को पकड़ने में फेल हो गया, सबके सामने, इनके सामने वो हार लेकर भाग गए। अब इनके डिपार्टमेंट को अपनी नाक बचाने के लिए किसी अपने को शहीद तो करना ही पड़ेगा ना। अब है। बस भाभी जी, आवाज नीची रखेंगे आज आप। कुछ चाहिए आपको भाभी जी? हाँ, जवाब। मैं कुछ समझा नहीं भाभी जी। तुम तो महाआरती के लिए माता रानी के बड़े मंदिर क्यों नहीं आए? वो आरती ने बताया नहीं आपको? मुझे अपने काम से जाना पड़ा। हाँ हाँ, बताया तो था उसने कि तुमने देर रात तक होने वाला काम उठाया हुआ है। क्योंकि दिन में फ्री फंड का नौकर बना हुआ हूँ अपने ही ससुराल में, आपके पति के चक्कर में, तो अपनी पत्नी के लिए चार पैसे कमाने के लिए रात का ही सहारा लेना पड़ेगा ना मुझे। बात तो वैसे सही है तुम्हारी। वैसे ये क्या काम है तुम्हारा? तलाशी है ना हमारा काम। अगर किसी चीज पे शक है तो सही गलत पता करना हमारा काम है। ये सब है की तरह नहीं, जिसके लिए सही और गलत इसके याददाश्त की तरह उड़ गई। कीर्ति, तुम कहना क्या चाहती हो? ये कहना चाहते हैं हम, इस डॉक्टर रोशनी को हमारी दीदू इस घर में लेकर आई थी अभय के इलाज के लिए, और ये क्या कर रहे है? ये उस डॉक्टर के साथ बेशर्मी से प्यार की झूले झूल रहा है, और हमारी दीदू को क्या मिल रहा है? सिर्फ हिकारत। तो बताइए ना चाची जी, ये जो रिश्ता है क्या आपके लिए सही है या गलत? वाह कीर्ति, खुद का रिश्ता तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, क्योंकि लगता है तुम भूल गई हो कि कैसे तुम्हारा पति दूसरी औरत अवनी के साथ चक्कर चला रहा था। तनुजा, हमारे बेटे वरुण अभय का साथ दे रहे हैं और आप उल्टा उन्हीं पे वार कर रही है। वाह भाभी, आपकी बहू हमारे बेटे पे उंगली उठाई जा रही है, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है, लेकिन आप और आपके बेटे ने एक शब्द तक नहीं बोला। हाँ, और तुम कीर्ति, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़ी दूध की धुली हुई हो? हाँ,
दूसरों की गलतियां गिनवाती फिरती हो और खुद के गलतियों का घड़ा फूटने को है। गलती की हमने चाची और गलती सुधारी भी है, आपने देखा भी, पर आपके बेटे पे जरा सा इल्जाम क्या लगाया, हम तो हमें सुनाने लगे और वो भी उस बेटे के लिए जो अपनी गलती सुधारना ही नहीं चाहता। बस कीर्ति, बहुत बोल लिया तुमने। भाभी आप भी बस कीजिए ना, राय का पहाड़ बनाना बंद कीजिए। नहीं नहीं चाची जी, तो कीर्ति बस हो गया, शांत हो जाइए अब, बहुत बोल दिया आपने। माँ हम कुछ गलत नहीं, यहाँ के तमाशे में उलझने से बेहतर है कि हम अपनी ड्यूटी पे ध्यान दें। जा रहे हैं। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी नौकरी है जो तुम्हें देर रात तक इतना व्यस्त रखती है। ये सही है। नहीं, पहले अपनी बहन को पुलिस में डालो, फिर उसी के आड़ में घर वालों से पूछताछ करते फिरो। नहीं, वहां आपकी बहन अभय भैया की गर्दन पकड़ी हुई है और यहाँ आप अपने ही घर के दामाद की गर्दन पकड़ने के फिराक में। वो तो आपके पति की तबीयत खराब है, इसीलिए नौकर बना फिर रहा हूं। कोई और होता ना तो कब का आरती को तलाकशुदा बना के जा चुका होता, इसीलिए मुझसे जरा संभल के बात किया कीजिए आप। भाभी जी संभल के ही तुमसे बात करूंगी और संभल के ही अब से तुम पे नजर भी रखूंगी कुणाल। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।